चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है। एमएस धोनी ने अब सीएसके को 5 बार आईपीएल का खिताब जिता दिया है। इस साल एमएस धोनी ने बहुत अच्छी कप्तानी करी है। सीएसके की खिलाड़ी की बात की जाए तो सबसे अच्छी पारी के लिए इस साल डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा ने हार तो मैच सीएसके को जिता दिया। रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। एमएस धोनी चोटिल हो गए थे लेकिन आईपीएल के सभी मैच खेले और सीएसके को खिताब जिता दिया एमएस धोनी ने। एमएस धोनी बहुत अच्छे कप्तान है। इस खिलाड़ी के जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चोटिल थे, मैच से दूर नहीं हुए, सीएसके को टाइटल जिता दिया माही ने। शिवम दुबे ने इस साल बहुत अच्छी बैटिंग करी। अजिंक्य रहाणे ने कमाल कर दिया, लंबे लंबे छक्के लगाए अजिंक्य रहाणे ने। सभी को लग रहा था कि अजिंक्य रहाणे टेस्ट खिलाड़ी है, एमएस धोनी ने क्यों लिया अजिंक्य रहाणे को, लेकिन रहाणे ने साबित कर दिया टेस्ट खिलाड़ी नहीं, मैं T20 खिलाड़ी भी हूँ। रहाणे ने बहुत खतरनाक बैटिंग करी इस साल। सीएसके बहुत अच्छी टीम है। यंग खिलाड़ी को सीएसके ने खरीदा, उनको ही खिलाया। श्रीलंका के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है मतीसा पथराणा, महेंद्र दीक्षा ने कमाल की गेंदबाजी करी इस साल और रविंद्र जडेजा ने भी कमाल कर दिया। हार तो मैच जिता दिया सीएसके को। एमएस धोनी चोटिल हो गए थे लेकिन सभी मैच खेले। अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है एमएस धोनी का। अब सीएसके को 5 बार टाइटल जिता दिया है। रोहित शर्मा की बराबरी कर लिया एमएस धोनी ने। दीपक चहर चोटिल हो गए थे लेकिन चहर ने रिकवरी जल्दी करी। जैसे ही आए सीएसके को बैक टू बैक मैच जिताए दीपक चहर ने। दीपक चहर बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है। सीएसके ने नए खिलाड़ी को टीम में रखा, उन्हीं खिलाड़ी को खिलाया, अब सीएसके चैंपियन बन गई है। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस साल लाजवाब बैटिंग करे। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे ओपनर है। सीएसके के आते ही पावर हिटिंग करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। डेवन कॉनवे के जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छे ओपनर मिले हैं सीएसके को, आते ही पावर हिटिंग करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं डेवन कॉनवे। कॉनवे ने इस साल 672 रन बनाए सीएसके को फाइनल जिताने में। अहम भूमिका निभाई डेवन कॉनवे ने। कॉनवे बहुत अच्छे बल्लेबाज है। रविंद्र जडेजा ने इस साल बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, जब जरूरत पड़ी विकेटों की जब विकेट दिलाई रविंद्र जडेजा ने। सीएसके ने टाइटल जीत लिया है 5 बार अब आईपीएल में। मुंबई इंडियंस की बराबरी कर लिया सीएसके ने। आईपीएल की सबसे कामयाब टीम है अब सीएसके। अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छी पारी खेली इस साल। रहाणे बहुत अच्छे बल्लेबाज है। दीपक चहर ने भी कमाल कर दिया। शुरुआती मैचों में चोटिल हो गए थे लेकिन जैसे ही वापसी करी सीएसके को बैक टू बैक में मैच जिताए दीपक चहर ने। चहर बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है सीएसके के। पावर प्ले में ब्रेक थ्रू दिलाते हैं सीएसके को। तुषार देश पांडे ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी इस साल। इस गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुषार देश पांडे ने सीएसके को टाइटल जिताने में अहम भूमिका निभाई। पिछले साल कुछ खास नहीं करा था देश पांडे ने, लेकिन इस साल तो कमाल का प्रदर्शन करा तुषार देश पांडे ने। मुकेश चौधरी ऑलरेडी आईपीएल से रूल आउट हो गए थे। ऐसे में तुषार देश पांडे के ऊपर दबाव था कि पिछले साल कुछ खास नहीं करा था, सीएसके का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन तुषार देश पांडे ने कमाल कर दिया। इस वजह से सीएसके कामयाब रही इस साल आईपीएल जीतने में। अगले साल भी सीएसके अच्छा प्रदर्शन करेगी, एक और टाइटल जीतना चाहेगी चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल की सबसे सफल टीम बन गई है सीएसके। अब सीएसके के पास
पांच टाइटल हो गया। मुंबई इंडियंस की बराबरी कर लिया सीएसके ने, मुंबई इंडियंस से कम मैच खेले सीएसके ने, 2 साल कम के लिए सीएसके। एमएस धोनी बहुत अच्छे कप्तान है, हारते हुए मैच को जिता देते हैं एमएस धोनी, होनी को अनहोनी कर देते हैं एमएस धोनी। फाइनल मैच में लाजवाब स्टैंपिंग करे सुमन गिल के, रविंद्र जडेजा की गेंद पर, ये केवल एमएस धोनी ही कर सकते हैं, धोनी के अलावा कोई नहीं कर सकता है स्टैंपिंग। क्लिक स्टैंपिंग करते हैं एमएस धोनी। आईपीएल में चोटिल थे एमएस धोनी, लेकिन सभी मैच खेले और सीएसके को फाइनल जिताने में भी अहम भूमिका निभाई माही ने। बैटिंग से कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन सीएसके को खिताब जिता दिया एमएस धोनी ने। चोटिल थे लेकिन जितनी तारीफ की जाए माही की उतनी कम है, बाहर नहीं हुए और पता भी नहीं चलने दिया दूसरी टीमों को कि मेरी चोट लग गई है। एमएस धोनी बहुत अच्छे कप्तान है, इस खिलाड़ी के जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत अच्छे कप्तान है एमएस धोनी। शिवम दुबे ने इस साल बहुत अच्छी बैटिंग करे, सीएसके की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे वे शिवम दुबे ने, और टीमों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करा दुबे ने, लेकिन चेन्नई में तो अलग प्रदर्शन करा दुबे ने, लंबे लंबे छक्के लगाए शिवम दुबे ने। अब सीएसके के पावर हिटर बन चुके हैं शिवम दुबे, आते ही गगन चुम्बी छक्के लगाते हैं शिवम दुबे। सीएसके ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है 2023 का। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, अब सीएसके के पास 5 टाइटल हो गया, मुंबई इंडियंस की बराबरी कर लिया, आईपीएल के सबसे कामयाब टीम बन चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स। एमएस धोनी ने इस टीम को 5 बार खिताब जिता दिया है। एमएस धोनी बहुत अच्छे कप्तान है, इस खिलाड़ी के जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मुश्किल समय में मैच को संभालते हैं और अपनी टीम को मैच जिताते हैं एमएस धोनी। नाराज नहीं होते अपने खिलाड़ियों से, कैप्टन कूल एमएस धोनी शांत रहते हैं, सभी खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन करवाते हैं एमएस धोनी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हम आपको जानकारी लाते रहेंगे। एमएस धोनी ने सीएसके को 5 बार टाइटल जिता दिया है, इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन करा है पूरे आईपीएल में, बहुत अच्छे कप्तान है एमएस धोनी। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी पारी खेली इस साल, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे बल्लेबाज है, और डेविन कॉनवे ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। कॉनवे ने इस साल 672 रन बनाए, डेविन कॉनवे बहुत अच्छे बल्लेबाज है, न्यूजीलैंड से आते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं डेविन कॉनवे। सीएसके की बैटिंग की बात की जाए तो सबसे अच्छी जोड़ी रही इस साल डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, मिडिल में अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, अवंती रायडू, इन खिलाड़ियों ने सीएसके को मैच जिताया है मिडिल ऑर्डर में भी। मतीसा पत्राणा ने डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी करी है, डेवन ब्रावो की कमी नहीं खेलने दी है मतीसा पत्राणा ने, यंग बॉलर है, डेथ ओवर में बहुत खतरनाक गेंदबाजी करी इस साल मतीसा पत्राणा ने, डेथ ओवर में लाजवाब यॉर्कर मारी है मतीसा पत्राणा ने। श्रीलंका के बढ़ते सितारे मतीसा पत्राणा डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हैं, महेश दीक्षणा ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है डेथ ओवर में, लाजवाब गेंदबाज है महेश दीक्षणा। मुकेश चौधरी पहले ही आईपीएल से रूल आउट हो गए थे, ऐसे में सीएसके को बैक टू बैक इंजरी लग रही थी, स्टॉक भी चोटिल हो गए थे, दीपक चाहर भी चोटिल हो गए थे, ऐसे में जिम्मा संभाला तुषार देशपांडे और आकाश सिंह ने, और डेथ ओवर में मतीसा पत्राणा और महेश दीक्षणा ने। मिडिल ऑर्डर में जडेजा मोइन अली ने सीएसके की गेंदबाजी की अहम भूमिका निभाई, नेक्स्ट ईयर मुकेश चौधरी आ जाएंगे और काइल जैमिसन आ जाएंगे,
ऐसे में सीएसके की गेंदबाजी और मजबूत हो जाएगी, सीएसके और अच्छा प्रदर्शन करेगा। चेन्नई सुपर किंग बहुत अच्छी टीम है, बैक टू बैक टाइटल जीत सकती है चेन्नई सुपर किंग। सीएसके आईपीएल की मौजूदा चैंपियन है, गुजरात टाइटंस को इस साल आईपीएल में हराया सीएसके ने, लगातार दो बार किया सीएसके ने ये कारनामा। एमएस धोनी बहुत अच्छे कप्तान है सीएसके को, एमएस धोनी ने 5 बार टाइटल जिता दिया है, बहुत अच्छे कप्तान है। आईपीएल के सबसे कामयाब कप्तान सिर्फ एमएस धोनी है, धोनी के बाद रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफी जीती है, लेकिन एमएस धोनी ने लगभग 130 मैच जीते आईपीएल में और 2 चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है एमएस धोनी ने। धोनी ने इंडिया को सभी खिताब जिताए हैं। एमएस धोनी बहुत अच्छे कप्तान है, दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान है एमएस धोनी जिसने सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती है। ऋतुराज गायकवाड पावर प्ले में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं डेवन कॉनवे के साथ, मिडिल ऑर्डर में लाजवाब छक्के लगाते हैं मोइन अली और शिवम दुबे। रविंद्र जडेजा ने भी साल लाजवाब बैटिंग करी है, फाइनल मैच में एम्पायरी के लिए रविंद्र जडेजा ने, लग रहा है कि सीएसके हार जाएगा इस मैच को, लेकिन जडेजा ने अच्छा फिनिश करा। रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे बल्लेबाज है, इस खिलाड़ी के जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मुश्किल समय में आए और सीएसके को टाइटल जिता के नहीं ले गए। सर रविंद्र जडेजा खिलाड़ी हो तो जडेजा जैसा मुश्किल समय में आते हैं और अपनी टीम को मैच जिताते हैं रविंद्र जडेजा। जडेजा के जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, सीएसके को 2023 का फाइनल जिताने में अहम भूमिका निभाई सर जडेजा ने, 2 गेंदों पर 10 रनों की दरकरार थी। लग रहा था कि सभी देशवासियों को सीएसके इस मैच को हार रही है, लेकिन जडेजा ने करिश्मा कर दिया और सीएसके को फाइनल जिता दिया। मैदान के चारों ओर चक्कर लगाए सर जडेजा ने और स्टेडियम में पहुंच गए, एमएस धोनी ने गले लगा लिया था सर जडेजा को, जडेजा ने कमाल कर दिया और एमएस धोनी को डेडिकेट कर दी ट्रॉफी। एमएस धोनी के लिए जीती है सर जडेजा ने ट्रॉफी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे YouTube चैनल इरफान स्पोर्ट तक को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हम आपको जानकारी लाते रहेंगे। 2023 की ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग ने जीत ली है, चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की सबसे कामयाब टीम बन गई है। सीएसके के पास सबसे खतरनाक ओपनर है डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, आते ही पावर हिटिंग करते हैं, हिटिंग के साथ लंबी पारी खेलते हैं दोनों बल्लेबाज। ऑक्शन में सीएसके डेथ ओवर के गेंदबाज भी लेना चाहेगा, सीएसके के पास डेथ ओवर में थोड़ी कमजोरी है, अकेले वहां पर महर्ष दीक्षणा और पति राणा पड़ते हैं। सीएसके अगर 2-3 गेंदबाज और तगड़े लेते हैं तो डेथ ओवर की गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी, आईपीएल की मजबूत गेंदबाजी लाइनअप हो जाएगी सीएसके के पास। सीएसके की बैटिंग ऑलरेडी बहुत मजबूत है, 11 ये सीएसके की बैटिंग लाइनअप में मोइन अली और बेन स्टॉक्स, रविंद्र जडेजा, चेन्नई के पास ऑलराउंडी बहुत खतरनाक ऑलराउंडर है। मिचेल सैंटनर भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है सीएसके के पास, बहुत किफायती गेंदबाजी करते हैं मिचेल सैंटनर, विकेट चटकारते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं मिचेल सैंटनर। डेवन कॉनवे के जितने तारीफ की जाए उतनी कम है, अहम भूमिका निभाई टाइटल जिताने में डेवन कॉनवे ने, न्यूजीलैंड से आते हैं, इस साल सीएसके को फाइनल जिता दिया डेवन कॉनवे ने। इस साल डेवन कॉनवे ने 672 रन बनाए, न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे बल्लेबाज है डेवन कॉनवे, आते ही पावर हिटिंग करते हैं, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है डेवन कॉनवे। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बहुत अच्छी ओपनिंग करी इस साल डेवन कॉनवे ने, अजिंक्य राणा ने कमाल कर दिया इस साल, सभी को लग रहा था कि ये टेस्ट खिलाड़ी है, आदर्श टीमों ने अजिंक्य राणा को छोड़ दिया था आईपीएल से, कोई नहीं खरीद रहा था, एमएस धोनी इस खिलाड़ी को लाए और एक चैंपियन खिलाड़ी बना दिया अजिंक्य राणा को।
राणे ने इस साल बहुत अच्छी बैटिंग करी, लंबे लंबे छक्के लगाए अजिंक्य राणे ने। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अजिंक्य राणे ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। एमएस धोनी ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, उनसे प्रदर्शन कराते हैं एमएस धोनी। एमएस धोनी बहुत अच्छे बल्लेबाज भी है, कप्तान भी बहुत अच्छे हैं एमएस धोनी। ऐसे खिलाड़ी को एमएस धोनी ने बहुत मोटिवेट कराया है, उनसे प्रदर्शन करवाया है एमएस धोनी ने। अजिंक्य राणे अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, अजिंक्य राणे बहुत अच्छे बल्लेबाज है। सर रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे खिलाड़ी है, जडेजा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सीएसके को फाइनल जिताया जडेजा ने, 2023 की ट्रॉफी अब सीएसके के पास है। सीएसके बहुत अच्छी टीम है, शिवम दुबे ने इस साल बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए आईपीएल में। शिवम दुबे अब बहुत खतरनाक बल्लेबाज बन गए हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं स्पिनरों के ऊपर शिवम दुबे। अवंती राडू ने संन्यास ले लिया आईपीएल से, अवंती राडू की जगह पर सीएसके और खिलाड़ी को लेना चाहेगा। दीपक चार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है सीएसके के लिए, सीएसके के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, वक्त पर विकेट दिलाते हैं दीपक चार। पावर प्ले में सबसे पहले विकेट लेते हैं दीपक चार। चार बहुत अच्छे गेंदबाज है और बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं दीपक चार। एमएस धोनी आईपीएल में चोटिल हो गए थे लेकिन सभी मैच खेले और सीएसके को चैंपियन बनाया एमएस धोनी ने। 2023 का आईपीएल सीएसके ने जीत लिया है। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, सीएसके बन गई है 2023 की चैंपियन। लास्ट ईयर कुछ खास नहीं करा था चेन्नई सुपर किंग्स ने, नवे पायदान पर रहे थे और कमबैक कराया चेन्नई सुपर किंग ने। अब कमबैक चुपर सुपर किंग्स बन गई है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई ऐसी टीम है, एक साल खराब होता है तो दूसरा साल ये अच्छा करती है। अच्छी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। इसके पास एक से एक नामी खिलाड़ी है, कप्तान बहुत अच्छे है सीएसके के पास, विकेट कीपरिंग आउटस्टैंडिंग करते हैं एमएस धोनी, कप्तान भी लाजवाब करते हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं एमएस धोनी। धोनी के पास एक्सपीरियंस है, टीम इंडिया की भी बहुत अच्छी कप्तानी करी है एमएस धोनी ने। सबसे ज़्यादा खिताब टीम इंडिया को जिताया है तो एमएस धोनी ने जिताया है। धोनी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी की दोस्तों जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे पास इतने शब्द नहीं है कि हम बयां कर सके एमएस धोनी की कहानी को। रांची से आते हैं, गरीब परिवार से थे एमएस धोनी, आते लंबे लंबे छक्के लगाते थे जब माई कप्तान नहीं थे टीम इंडिया के। कप्तानी की वजह से एमएस धोनी की बैटिंग में गिरावट आई लेकिन 50 की और एवरेज से फिर भी 10,000 रन बनाई ओडीआई क्रिकेट में एमएस धोनी ने। टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा शिकार एमएस धोनी ने करे है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा शिकार एमएस धोनी ने करे है विकेट कीपरिंग में। एमएस धोनी लाजवाब कप्तान है, विकेट कीपरिंग भी बहुत शानदार करते हैं एमएस धोनी। सर रविंद्र जडेजा ने कमाल कर दिया आईपीएल में, सीएसके को अच्छा खिताब जिताया रविंद्र जडेजा ने। दो गेंदों पर 10 रनों के दरकरार थे, सभी देशवासियों को लग रहा था कि सीएसके इस मैच को हार सकता है लेकिन सर जडेजा ने अच्छा फिनिश करा। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत अच्छे बल्लेबाज है सर रविंद्र जडेजा। खिलाड़ी हो तो जडेजा जैसा, सीएसके को 2023 का फाइनल जिता दिया रविंद्र जडेजा ने। जडेजा बहुत अच्छे खिलाड़ी है, एक गेंद पर 4 रनों के दरकरार थे। गुजरात के सभी खिलाड़ी सोच रहे थे कि हम इस फाइनल को जीत गए लेकिन जडेजा ने करिश्मा कर दिया, चौके मारकर सीएसके को चैंपियन बना दिया। जडेजा बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत खतरनाक पावर हिटर है, आते ही लंबे लंबे छक्के लगाते हैं सर रविंद्र जडेजा। जडेजा बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, आते ही विकेट चटकाते हैं।
ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के पास बहुत अच्छे ओपनर है। ऋतुराज गायकवाड़ ने सीएसके के लिए अच्छा प्रदर्शन करा, जब जब सीएसके को जरूरत पड़ी है गायकवाड़ ने रन बनाए सीएसके के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ उभरते सितारे सीएसके के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है ऋतुराज गायकवाड़ ने। लास्ट ईयर एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने, दूरा शतक भी लगाया था ऋतुराज गायकवाड़ ने डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब आईपीएल में भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है ऋतुराज गायकवाड़, खतरनाक ओपनर है ऋतुराज गायकवाड़। सीएसके को ट्रॉफी जिता रहे ऋतुराज गायकवाड़, जब जब जरूरत पड़ती है सीएसके को गायकवाड़ रन बनाते हैं। बहुत अच्छे बल्लेबाज है ऋतुराज गायकवाड़, स्पिन को भी बहुत अच्छी खेलते हैं गायकवाड़, फास्ट बॉलर को भी बहुत अच्छा खेलते हैं ऋतुराज गायकवाड़, पावर प्ले में अटैक करते हैं गेंदबाजों पर और रन बनाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ के सीएसके के पास बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी है। मोइन अली ने 20 साल बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, इंग्लैंड के बहुत अच्छे ऑलराउंडर है मोइन अली। बेन स्टोक को इस साल ज़्यादा मौका नहीं मिला, सीएसके के पास ऑलरेडी अच्छे खिलाड़ी थे, नेक्स्ट ईयर बेन स्टोक को मौका देगी चेन्नई सुपर किंग। बेन स्टोक को सीएसके ने महंगा खरीदा ऑक्शन में, 2024 में बेन स्टोक को पूरा मौका देगी चेन्नई सुपर किंग। एम एस धोनी चोटिल हो गए थे आईपीएल में, लेकिन किसी टीम को नहीं पता चलने दिया, एम एस धोनी ने पूरा आईपीएल खेला और अपनी टीम को चैंपियन बना दिया एम एस धोनी ने। शिवम दुबे ने इस साल लाजवाब बैटिंग करी, शिवम दुबे बहुत अच्छे खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा लंबे छक्के लगाए सीएसके की तरफ से वो लगाए शिवम दुबे ने। दुबे बहुत अच्छे बल्लेबाज है, स्पिनर पर सबसे ज्यादा अटैक करी है आईपीएल में, वो करिए शिवम दुबे ने। लंबे कद के शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के लगाए इस साल आईपीएल में शिवम दुबे ने। सीएसके के मिडिल ऑर्डर के अहम बल्लेबाज बन गया शिवम दुबे। फाइनल मैच में आउट नहीं हुए थे शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा के साथ फिनिश करा था मैच शिवम दुबे ने। दुबे बहुत अच्छे खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुश्किल समय में आते हैं सीएसके को मैच जिता के नहीं ले जाते हैं शिवम दुबे, स्पिनरों के ऊपर अटैक करते हैं शिवम दुबे। तुषार देशपांडे ने भी साल बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, लास्ट ईयर सीएसके को पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करी थी मुकेश चौधरी और सिमरजीत सिंह ने। सिमरजीत सिंह इस साल चोटिल हो गए थे लेकिन मौका नहीं मिला सिमरजीत सिंह को। मुकेश चौधरी पहले ही आईपीएल से रूल आउट हो गए थे, लास्ट ईयर मुकेश चौधरी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था आईपीएल में, पावर प्ले में सीएसके की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट ली थी लास्ट ईयर मुकेश चौधरी ने। अगर मुकेश चौधरी फिट हो जाते हैं, दीपक चार भी फिट रहते हैं आईपीएल में, तो सीएसके के पास 2024 में अच्छा ये विकल्प रहेगा। दोनों विकेट चटकाते हैं पावर प्ले में, दोनों की बॉल स्विंग होती है दोनों तरफ, मुकेश चौधरी और दीपक चार के, दोनों अच्छे गेंदबाज है, विकेट चटकाते हैं पावर प्ले में। सीएसके अब अच्छी टीम बन गई है, सीएसके के पास सबसे अच्छी चीज़ है वे बैटिंग है, बहुत खतरनाक बैटिंग चेन्नई सुपर किंग के पास। श्रीलंका के दो बहुत अच्छे गेंदबाज है चेन्नई सुपर किंग के पास, मथीसा पथराणा महेश दीक्षणा गेंद को बहुत अच्छी डालते हैं, डेथ ओवर में बहुत खतरनाक यॉर्कर मारते हैं मथीसा पथराणा। पथराणा बहुत अच्छे गेंदबाज है, मलिंगा की तरह एक्शन है और लाजवाब यॉर्कर मारते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना, हम आपको जानकारी लाते रहेंगे। मेरा चैनल है इरफान स्पोर्ट टक, इसको लाइक करना सब्सक्राइब करना, ये मेरा क्रिकेट का चैनल है इरफान स्पोर्ट टक, इस चैनल को प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना, जानकारी आपको हम लाते रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग ने 2023 का फाइनल जीत लिया है, इसकी मुबारकबाद हम आपको दे रहे हैं अपनी तरफ से, शुभकामना देशवासियों को। 2023 का चैंपियन बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स।
एमएस धोनी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत अच्छे कप्तान है। अब एमएस धोनी ने सीएसके को 5 टाइटल जिता दिया आईपीएल में, अनबिलीवेबल। आईपीएल एमएस धोनी ने 5 बार जिता दिया सीएसके को। सर रविंद्र जडेजा ने फाइनल मैच में अच्छी पारी खेले, चौके मार कर सीएसके को फाइनल जिता दिया रविंद्र जडेजा ने। खिलाड़ी हो तो जडेजा जैसा, जडेजा बहुत अच्छे खिलाड़ी है। जब जब जरूरत पड़ती है सीएसके को मैच जिताते हैं रविंद्र जडेजा, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं रविंद्र जडेजा। दोस्तों हम आपको जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सीएसके 2023 का चैंपियन बन गई है। मेरा नाम इरफान खान, आई एम फ्रॉम इंडिया। मेरा एक यूट्यूब चैनल है इरफान स्पोर्ट्स तक, प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम आपको क्रिकेट की जानकारी लाते रहेंगे मेरे चैनल से, प्लीज जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। ओके, गुड बाय।